तो आज की दोस्तों एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम वन ऑफ अवर सब्सक्राइबर कि उनको एक हिंदी टाइपिंग करते हुए प्रॉब्लम आ रही है क्र लिखते वक्त। अब जैसे कि देखिए मैंने एमएस वर्ड ओपन किया है और ज़्यादातर हम देखिए हिंदी टाइपिंग कृतिदेव फॉन्ट में करते हैं और अगर हम यहाँ पे क्र लिखते हैं क के नीचे र तो देखिए कुछ इस तरह का यहाँ पे लिखा आता है, मतलब प्रॉपर ढंग से क्र लिखा नहीं आता। तो आज मैं बताऊँगा 3 मेथड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं क्र अगर आपने प्रॉपर ढंग से लिखना है। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, जो उनसे मेथड आपके लिए काम आए वो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों मेथड देखें ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज होए और उनमें से अगर कोई एक मेथड काम ना करे तो दूसरा मेथड देखे ज़रूर काम कर जाए और आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन भी मिल जाए हिंदी टाइपिंग करते वक्त और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, देखिए जब हम क्र लिखते हैं तो क्र के नीचे देखिए र इस ढंग से आता है। तो फर्स्ट सोल्यूशन तो बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है, आप यहाँ पे जाइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है सिंबल्स का, आप यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जाइए मोर सिंबल्स में और यहाँ पे कृतिदेव का अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे देखिए क्र आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लीजिए कहाँ पे है, जैसे कि ये वाला क्र है, या तो आप क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर लीजिए तो देखिए तब भी क्र आ जाएगा। ये दूसरा है यहाँ पे ऑल्ट के साथ अगर आप 0216 का कोड प्रेस करेंगे जो कि एक यूनिकोड यहाँ पे कोड होता है जो आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो तब भी क्र आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए क्लोज करूँ, क्लोज करने के बाद ऑल्ट के साथ 0216 बटन प्रेस करूँ तो देखिए क्र लिखा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार ये वाला तरीका काम नहीं करता तो अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं क्र लिखने वक्त और अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती तो आप यहाँ पे इस मेथड के थ्रू, जो मैं सेकेंड मेथड बताने वाला हूँ, इस मेथड के थ्रू इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में यहाँ पे टाइप होता रहेगा। तो इसके लिए जो सेकेंड मेथड है वो है आपका यहाँ पे गूगल इनपुट टूल। तो उसके लिए जस्ट आपने यहाँ पे गूगल में जाना है, अपने नेट ओपन कर लेना है, गूगल ओपन करना है और यहाँ पे लिखना है गूगल इनपुट टूल डाउनलोड। जैसे डाउनलोड करेंगे आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला लिंक मिल जाएगा, वैसे आप इस पर क्लिक करिए। ये वाला पूरी जो फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके। अभी मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड करूँगा तो देखिए 10 MB की ये वाली फाइल है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली फाइल डाउनलोड होगी जिप फाइल में, तो जस्ट मैं यहाँ पे शो इन फोल्डर करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट ऑल और यहाँ पे अगेन एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे वाली फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है, तो जस्ट आप इस पर क्लिक करिए और गूगल इनपुट देखिए जो हिंदी है आपने इस पर डबल क्लिक करके इस वाली फाइल को डाउनलोड कर लेना है अपने कंप्यूटर में। जैसे कि देखिए वाली फाइल आपने डाउनलोड करनी है, तो अगेन यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ तो फाइल आपकी यहाँ पे डाउनलोड हो गई है और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हिंदी लिखा आ जाएगा गूगल इनपुट टूल। तो जस्ट आप एमएस वर्ड में जाइए, ठीक है, और या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए जो टास्क बार में नीचे आपको दिया होता है क्विक लॉन्च आइकन्स में, ठीक है, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए विंडोज़ के साथ स्पेस बटन, तो आपके सामने देखिए ये वाला ओपन हो जाएगा। तो जोन से भी लैंग्वेज प्रेस करनी है स्पेस बटन प्रेस करके विंडोज़ के साथ आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर ली तो देखिए हिंदी आ गया। अब मैंने क्र लिखना है तो क्र लिखने के लिए मैं लिखता हूँ के आर ए, ठीक है, तो आप देखिए रिकमेंडेशन नीचे आ गई, तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे क्र लिखा आ गया। और इस टूल का मेन बेनिफिट क्या है कि आप जो भी लिखेंगे इंग्लिश में वो हिंदी में लिखा आ जाएगा। जैसे कि अगर मैंने लिखना है भारत तो मैं लिखूँगा BHARAT, तो आप देखेंगे भारत ऑटोमेटिकली लिखा आ गया है। मतलब आपको हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती तो आप इस वाले मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए दोस्तों मैं आपको फाइनली बताता हूँ थर्ड मेथड जो आप यूज़ कर सकते हैं क्र लिखने के लिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए हिंदी लैंग्वेज ऐड करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर में अगर आपके पास एडिट नहीं है। तो इसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने विंडोज़ में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे जाना है क्लॉक एंड रीजन का जो आपका ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे देखिए रीजन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज प्रेफरेंसेस का, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करिए ऐड लैंग्वेज पे, आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है जो कि हमारी हिंदी, तो मैं जस्ट यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं जस्ट एच लिखता हूँ, देखते आएगा नहीं आएगा, तो देखिए हिंदी लिखा गया। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वाली देखिए लैंग्वेज इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी और आपके टास्क बार में देखिए ऐड हो जाएगी।
जैसे कि देखिए गूगल इनपुट टूल की लैंग्वेज ऐड हुई थी, वैसे ये वाली लैंग्वेज भी आपके ऐड हो जाएगी। तो जस्ट मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच हैंड राइटिंग दोनों टिक कर रहने देता हूँ और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे आपकी इंग्लिश के साथ हिंदी लैंग्वेज भी ऐड हो गई है। और अगर आप टास्क बार में जाएंगे तो आप देखेंगे हिंदी लैंग्वेज ऐड हो गई है ये वाली, और साथ में इंग्लिश भी है, और गूगल इनपुट टूल की जो हिंदी की लैंग्वेज है ये भी एडिड है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने ये वाली लैंग्वेज ऐड कर लेनी है हमेशा अपने कंप्यूटर में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे देखिए अभी गूगल इनपुट टूल को हटा के यहाँ पे मैं हिंदी वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, या विंडोज़ के साथ स्पेस बटन प्रेस करके भी अपनी लैंग्वेज को स्विच कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ पे हिंदी ट्रेडिशनल वाली लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्र लिखना है, तो क्र लिखने का देखिए एक तरीका है। तो सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए स्मॉल लेटर्स में के, जैसे ही के प्रेस करेंगे देखिए क लिखा आ जाएगा, और इसके बाद आपने यहाँ पे प्रेस करना है स्मॉल लेटर में ही डी, तो आप देखेंगे नीचे हलंत आ गया। अब मैंने इसका क्र बनाना है, क्र बनाने के लिए जस्ट आप प्रेस करिए यहाँ पे जे बटन स्मॉल में ही, तो आप देखेंगे क्र लिखा आ गया बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में। तो दोस्तों आई होप आपको प्रॉपर सोल्यूशन मिला हो अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हैं एम एस वर्ड में, और अब आप जब भी हिंदी टाइपिंग करेंगे तो आप देखिए प्रॉपर वे में और प्रॉपर फॉर्मेटिंग में अपनी टाइपिंग यहाँ पे करेंगे। और कुछ भी डाउट हो हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उससे रिलेटेड सॉल्यूशन आपके लिए ज़रूर लाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।